subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ गियरिंग के अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि गियर्स के केस में पावर ट्रांसमिशन के समय वेलोसिटी रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये कि पावर ट्रांसमिशन के समय पिच पॉइंट की पोजीशन फिक्स्ड हो, यानी कि पावर ट्रांसमिशन खत्म होने तक पिच पॉइंट की पोजीशन चेंज ना हो, और दूसरी ये कि कॉमन नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि पॉइंट क्यू से पास होने के साथ साथ पिच पॉइंट यानी कि पॉइंट पी से भी पास हो। ये स्टडी हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर की थी जब दो तुच्छ एक दूसरे के साथ पॉइंट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपनी स्टडी करेंगे, और ये टाइम इंटरवल स्टार्ट होगा दो तुत के टाइम ऑफ इंगेजमेंट से और एंड होगा उन्हीं दोनों तुत के टाइम ऑफ डिस इंगेजमेंट पे। तो दो तुत के इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट के बीच का जो ये टाइम होगा, इसमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू एक पाथ पर ट्रेवल करेगा और उसी पाथ को हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। आज के लेक्चर में हम इसी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पावर ट्रांसमिशन के समय जब ड्राइवर और फॉलोवर गियर एक दूसरे के साथ मैच होते हैं तो ड्राइवर गियर के कॉरस्पॉन्डिंग टीथ में से एक तुत फॉलोवर गियर के कॉरस्पॉन्डिंग टीथ में से एक तुत के साथ पॉइंट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है। जिस टाइम पर ड्राइवर गियर का तुत फॉलोवर गियर के तुत के साथ पॉइंट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है उस टाइम को हम टाइम ऑफ इंगेजमेंट कहते हैं, और जिस टाइम पर ड्राइवर गियर का तुत फॉलोवर गियर के तुत से पॉइंट कॉन्टैक्ट ब्रेक करता है उस टाइम को हम टाइम ऑफ डिस इंगेजमेंट कहते हैं। दो तीत के इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक पाथ ट्रेवल करता है, यानी कि एक पाथ ट्रेस करता है, और उसी पाथ को हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम ये फिगर कंसिडर करेंगे। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो ड्राइवर गियर और फॉलोवर गियर एक दूसरे के साथ मैश हो रहे हैं। हालांकि इस फिगर को सिंपल रखने के लिए मैंने ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ ड्रॉ नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ इनके एडेंडम डिडेंडम बेस और पिच साइकिल्स को ही ड्रॉ किया है। अगर मैं बात करूं ड्राइवर गियर की तो ड्राइवर गियर के केस में ये सर्कल ड्राइवर गियर का एडेंडम साइकिल है, ये सर्कल ड्राइवर गियर का पिच साइकिल है, ये सर्कल ड्राइवर गियर का बेस सर्कल है, और ये सर्कल डिडेंडम साइकिल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फॉलोवर गियर की तो फॉलोवर गियर के केस में ये सर्कल फॉलोवर गियर का एडेंडम सर्कल है, ये सर्कल फॉलोवर गियर का पिच सर्कल है, ये फॉलोवर गियर का डिडेंडम सर्कल है, और ये सर्कल फॉलोवर गियर का बेस सर्कल है। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि बेस सर्कल और डिडेंडम सर्कल अलग अलग होते हैं। बेस सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल होता है जिससे हम इन्वोल्यूट प्रोफाइल जनरेट करते हैं, और डिडेंडम सर्कल वो सर्कल होता है जो गियर टीथ के बॉटम से पास होता है, यानी कि वो सर्कल जो गियर टीथ की रूट को जोड़ता है। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो आप ये नोटिस करेंगे कि ड्राइवर गियर के केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से बड़ा है, और फॉलोवर गियर के केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से छोटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिडेंडम सर्कल के रेस्पेक्ट में बेस सर्कल का साइज एक पर्टिकुलर प्रेशर एंगल पर गियर के नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 20 डिग्री प्रेशर एंगल है तो उस केस में गियर के अंदर 41 नंबर ऑफ टीथ होंगे। अगर ऐसा है तो उस केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से बड़ा होगा। लेकिन अगर 20 डिग्री प्रेशर एंगल पर गियर के अंदर 41 नंबर ऑफ टीथ से ज्यादा होते हैं तो उस केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल पर गियर के अंदर नंबर ऑफ टीथ 78 हैं तो उस केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से बड़ा होगा।
लेकिन अगर 14.5 डिग्री पे गियर के अंदर नंबर ऑफ टीथ 78 से ज्यादा हैं, तो उस केस में बेस सर्कल का साइज डिडेंडम सर्कल के साइज से छोटा होगा। इस कंसेप्ट का मैथमेटिकल प्रूफ हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कंसेप्ट का मैथमेटिकल प्रूफ जानना चाहते हैं तो मैंने पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक ब्लॉग लिखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके इस कंसेप्ट का मैथमेटिकल प्रूफ देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फॉलोवर गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ड्राइवर गियर का सेंटर है ए और फॉलोवर गियर का सेंटर है बी। ए और बी को हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब हम इन दोनों बेस सर्किल से पास होती हुई, यानी कि ड्राइवर गियर और फॉलोवर गियर के बेस सर्किल से पास होती हुई एक कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉमन टेंजेंट लाइन से मेरा मतलब है एक ऐसी लाइन जो ड्राइवर और फॉलोवर गियर के बेस सर्किल की टेंजेंट हो। अगर आप इस लाइन की तरफ ध्यान दें तो ये लाइन ड्राइवर गियर के बेस सर्किल की भी टेंजेंट है और फॉलोवर गियर के बेस सर्किल की भी टेंजेंट है, और इसीलिए हम इस लाइन को कॉमन टेंजेंट लाइन कहेंगे। कॉमन टेंजेंट लाइन को हम कैपिटल ई एफ से डेजिग्नेट करेंगे। अब हम पॉइंट ए से पॉइंट ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है। इसी तरीके से हम पॉइंट बी से पॉइंट एफ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे। ड्राइवर गियर का पिच सर्कल जिस पॉइंट पर फॉलोवर गियर के पिच सर्कल के साथ पॉइंट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करेगा, उस पॉइंट को हम पिच पॉइंट कहेंगे और उसे हम कैपिटल पी से डेजिग्नेट करेंगे। ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ उस पॉइंट पर पॉइंट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे जिस पॉइंट पर फॉलोवर गियर का अडेंडम सर्कल कॉमन टेंजेंट लाइन ई एफ को इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो फॉलोवर गियर का अडेंडम सर्कल इस पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट लाइन ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पर ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ एक दूसरे के साथ पॉइंट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पॉइंट को हम कैपिटल सी से डेजिग्नेट करेंगे। इसी तरीके से ड्राइवर और फॉलोवर गियर उस पॉइंट पर पॉइंट कॉन्टेक्ट ब्रेक करेंगे जिस पॉइंट पर ड्राइवर गियर का अडेंडम सर्कल कॉमन टेंजेंट लाइन ई एफ से इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो ड्राइवर गियर का अडेंडम सर्कल कॉमन टेंजेंट लाइन ई एफ से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पर ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ एक दूसरे से पॉइंट कॉन्टेक्ट ब्रेक करेंगे और इस पॉइंट को हम कैपिटल डी से डेजिग्नेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि पॉइंट सी पे ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ एक दूसरे के साथ पॉइंट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, फिर वह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी से लेके पॉइंट डी तक मूव करेगा यानी कि ट्रेवल करेगा, और पॉइंट डी पे आके ड्राइवर और फॉलोवर गियर के टीथ के बीच जो पॉइंट कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सी डी जो है हमारा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है क्योंकि इस पाथ के अलोंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ट्रेवल करेगा। तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है हमारा? सी डी। अब हम पॉइंट ए से पॉइंट डी को कनेक्ट करेंगे और पॉइंट बी से पॉइंट सी को कनेक्ट करेंगे। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि जो लाइन ए पी है, ए पी वो क्या है? ड्राइवर गियर के पिच सर्कल का रेडियस, और ड्राइवर गियर के पिच सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, यानी कि ये जो लाइन ए पी है वो क्या है? स्मॉल आर के इक्वल है। इसी तरीके से अगर आप इस लाइन की तरफ ध्यान दें, लाइन ए डी, तो वो क्या शो कर रही है? लाइन ए डी ड्राइवर गियर के अडेंडम सर्कल के रेडियस को शो कर रही है। तो लाइन ए डी क्या हो जाएगी हमारी? स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट ए। स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट ए क्या है? ड्राइवर गियर के अडेंडम सर्कल का रेडियस। तो लाइन ए डी क्या हो गई हमारी? आर सबस्क्रिप्ट ए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लाइन बी पी की, तो लाइन बी पी क्या शो कर रही है? फॉलोवर गियर के पिच सर्कल के रेडियस को शो कर रही है, और फॉलोवर गियर के पिच सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे।
तो लाइन बी पी क्या हो गई हमारी कैपिटल आर के इक्वल हो गई। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दें तो लाइन बी सी फॉलोवर गियर के अडेंडम सर्कल के रेडियस को शो कर रही है, इसलिए लाइन बी सी हमारी क्या हो जाएगी कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट ए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है हमारा सी डी। अगर आप इस सी डी लाइन पर ध्यान दें तो सी डी लाइन को पॉइंट पी यानी कि पिच पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सी पी प्लस पी डी। ठीक है, तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी पी प्लस पी डी। इधर जो ये लाइन सी पी है ये क्या है हमारी पाथ ऑफ अप्रोच। और ये जो लाइन पी डी है ये क्या है हमारी पाथ ऑफ रिसेस। तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। अब अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान दें तो यहां से हम सी पी को क्या लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी एफ माइनस पी एफ। CP is equals to क्या हो जाएगा CD is equals to CP क्या हो जाएगा CF minus PF। ठीक है, CF minus PF। इसी तरीके से PD क्या हो जाएगा PD is equals to क्या हो जाएगा DE minus PE। तो PD क्या हो जाएगा DE minus PE। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। अब हम CF, PF, DE और PE की वैल्यूज पता करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे PF की। पी एफ की वैल्यू पता करने के लिए हम ट्राइंगल बी पी एफ में कंसंट्रेट करेंगे। ट्राइंगल बी पी एफ एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमें दो चीजें पता है, एक तो साइड बी पी जो कि आर के इक्वल है और एक एंगल बी जो कि फाई के इक्वल है। इन दो चीजों से हम पी एफ और बी एफ की वैल्यू पता कर सकते हैं। पी एफ कितना हो जाएगा कैपिटल आर साइन फाई। और इसी तरीके से बी एफ कितना हो जाएगा कैपिटल आर कॉस फाई। ठीक है, हमें पी एफ की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम बात करेंगे पी ई की। पी ई की वैल्यू पता करने के लिए हम ट्राइंगल ए पी ई में कंसंट्रेट करेंगे। ट्राइंगल ए पी ई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें भी हमें दो चीजें पता हैं, एक तो साइड ए पी जो कि स्मॉल आर के इक्वल है और एक एंगल ए जो फाई के इक्वल है। तो इन दो चीजों से हम ए ई और पी ई की वैल्यू पता कर सकते हैं। पी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल आर साइन फाई और ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल आर कोस फाई। अब हम सी एफ और डी ई की वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सी एफ की। सी एफ की वैल्यू पता करने के लिए हम ट्राइंगल बी सी एफ में कंसंट्रेट करेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल बी सी एफ में हमें दो चीजें पता है, एक तो साइड बी सी जो कि आर सबस्क्रिप्ट ए के इक्वल है और एक साइड बी एफ जो कि कैपिटल आर कॉस फाई के इक्वल है। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता है तो एक साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर सकते हैं। तो एक साइड क्या है हमारी सी एफ, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये जो साइड है ये है हमारी हाइपोटेनस यानी कि कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट ए
तो कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट ए का स्क्वायर माइनस बीएफ क्या है, कैपिटल आर कोस फाई, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, इसी तरीके से हम पता करेंगे डीई। डीई को पता करने के लिए, यानी कि डीई की वैल्यू पता करने के लिए हम ट्राइंगल ए ई डी में कंसंट्रेट करेंगे। ट्राइंगल ए ई डी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें भी हमें दो चीजें पता है, एक तो साइड ए डी जो कि स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट ए के इक्वल है और एक साइड ए ई जो कि स्मॉल आर कोस फाई के इक्वल है। ये दो चीजें हमें पता है तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर सकते हैं। तो थर्ड साइड की वैल्यू यानी कि डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर ए का होल स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर क्या है ए ई, ए ई की वैल्यू क्या है स्मॉल आर कोस फाई, स्मॉल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो हमें पी एफ पी ई सी एफ और डी ई की वैल्यूज पता चल चुकी है। इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ क्या है हमारा, कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस पी एफ क्या है हमारा, कैपिटल आर साइन फाई प्लस डी ई क्या है हमारा, डी ई क्या है अंडर रूट स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस पी ई की वैल्यू क्या है स्मॉल आर साइन फाई। तो सी डी ये हमारा हो गया पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, हो गई सी डी की कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।